पिछले 2 महीने से जारी चुनावी सरगर्मी के बाद अब नतीजों की घड़ी आ गई है। अब से करीब 20 से 21 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में मोदी की अगुवाई में एनडीए लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाते हुए दिख रही है, पर विपक्षी पार्टियां एग्जिट पोल को खारिज कर रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के कल पुर्जे छटकाए जा रहे हैं। किसी को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर वास्तविक नतीजों में तब्दील हो जाए तो मुंह कहां छिपाएंगे। अभी तो आत्मविश्वास का आवरण ओढ़ कर एग्जिट पोल फर्जी है का ढोल ढमाढम बजाया जा रहा है। आत्मविश्वास के मामले में अपने केजरीवाल जी के आसपास भी कोई नहीं ठहरता। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी? है कोई माई का लाल जो केजरीवाल के इस सवाल का जवाब दे सके? सही सवाल पूछ रहे हैं केजरीवाल जी, काउंटिंग से 3 दिन पहले एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी? अगर करानी ही थी तो काउंटिंग के 3 दिन बाद करा लेते। वैसे भी केजरीवाल जी हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं, और संयोग देखिए कि काउंटिंग भी मंगलवार को है, और केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाकर बाकायदा बजरंग बली का आशीर्वाद ले चुके हैं। हनुमान मंदिर, वहाँ पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, बली करेंगे, बजरंग बली करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की, इनका नाश करेंगे। विरोधियों का नाश मत करवाइए केजरीवाल जी, अगर इनका नाश हो गया तो आप पानी पी पी कर कोसेंगे किसको? कोई तो चाहिए जिसके माथे पर ठीकरा फोड़ा जा सके। भाई आप लोग जब एक दूसरे के खिलाफ तरन्नुम में तराना छेड़ते हैं तो जनता को बगैर साज के ही संगीत का रस मिलने लगता है। अब आपने मोदी पर हमला बोला तो मोदी कहाँ चुप रहने वाले हैं? आप खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, मोदी आपको कट्टर भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं, और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। ऐसी गारंटी मत दीजिए मोदी जी कि केजरीवाल का शुगर लेवल और हाई हो जाए। वैसे ही उनके शरीर की मिठास 300 के पार जा चुकी है। शरीर की मिठास और बढ़ी तो उनकी जुबान घातक तरीके से कड़वी हो जाएगी, फिर आप लोगों को झेलना मुश्किल हो जाएगा। रही बात जेल की, तो भगत सिंह के चेलों को जेल से डराना आसान नहीं है। हम सब देखिए भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी तानाशाही हो, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अरे आतिशी जी, भगत सिंह को तो माफ कर दीजिए, आपसी झोंझों में कहां उस महान आत्मा को घसीट रही हैं आप। आपके केजरीवाल जी तो राजनीति बदलने आए थे ना, राजनीति तो उन्होंने बदल ही दी। अब पीएम मोदी को थोड़े ना समझ में आएगा कि केजरीवाल जी ने राजनीति बदल कर देश पर कितना बड़ा एहसान किया है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। अदालत तो अपना काम कायदे से कर ही रही है मोदी जी, सवाल ये है कि कोई माने तब ना।
काम तो मीडिया भी अपना कायदे से कर रहा है, लेकिन कहाँ मान रहा है कोई। अब एक जीट पोल को ही ले लीजिए, कहाँ मान रहा है इसे कोई। राहुल जी तो इसे मोदी मीडिया पोल बता रहे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अरे राहुल जी, एग्जिट पोल की बिसात बस 48 घंटे तक है, उसके बाद तो हकीकत सामने आ ही जाएगी। आपने वो वाली मिसाल तो सुनी होगी ना कि एक साहब बाल कटवाते हुए नाई से पूछ बैठे कि मेरे सर पर कितने बाल हैं। नाई ने कह दिया कि बाल काट के आपके सामने ही गिरा रहा हूँ, गिन लीजिए। आप भी टेंशन क्यों ले रहे हैं, कुछ घंटों की बात है, एग्जिट पोल सही है कि गलत, सच्चाई सामने आ ही जाएगी, तब तक तसल्ली रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।